आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से मदद मांगी है और ये बोला है कि अगर बीजेपी हमारी मदद करती है तो मैं खुद लाल किले के ऊपर जाके अनाउंस करूंगा कि भाई अगली बार वोट बीजेपी को देना। आपका मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली के लोगों को पानी के बड़े हुए बिलों की वजह से दिक्कत आ रही थी और दिल्ली में बहुत सारे लोगों के पास गलती से पानी के बड़े हुए बिल आ रहे थे जिनको सुधारने में बहुत सारा समय लग रहा था। और दिल्ली वालों की इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक योजना बनाई जिसमें वन टाइम सेटलमेंट करके सभी के पानी के बिलों को ठीक किया जाए, लेकिन इसके लिए बीजेपी अड़ंगा बार बार डाल रही थी। तो इसलिए आज अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम हाउस में सभी पार्टियों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। और इसी बीच आज से दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में ये बीजेपी वालों के सामने बोल दिया कि अगर आप सच में दिल्ली वालों की मदद करना चाहते हैं तो आप और एलजी साहब मिलके इस प्रस्ताव को पारित कीजिए और सभी का बिल एक ही बार में ठीक कीजिए, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं खुद लाल किले के ऊपर जाके बोलूंगा कि भाई बीजेपी वालों को वोट दो। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने भिदौड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते भिदौड़ी जी, राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे दे। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी, वोट के लिए कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है, वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला, यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने जो हमें। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी वाले सच में आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि दिल्ली सरकार की मदद करेंगे या फिर अपनी वही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर से बताना, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर से करना।